आपकी शादी हो रही है क्या? मैडम मैडम दिवाली का टाइम है, देखिए मैं यहाँ पर गिफ्ट्स लेके आया हूँ, दिवाली का डेकोरेशन का सामान लाया हूँ, और आपकी बाप की शादी है, बाप की शादी है। मैडम मुझे पता है मैं आपके दहेज में आऊंगा। अरे दहेज में तो तू आएगा ही, परीप जो है ना हमारी शादी के डेकोरेशन की पूरी जिम्मेवारी था दी हो रही है। और मम्मी जी मिठाई का इंतजाम मैं करूंगा। अरे तो दिवाली में बांटने की मिठाई हो रही है, उसका ऑर्डर दे आया तू? वो तो कब का कर दिया जी। वेरी गुड यार। नहीं मैडम, दिवाली पे सबसे इतना काम करवा रही है, क्या बात है, इस साल आप दिवाली बड़े धूमधाम से मना रही है। और आप बाल को सुन लो अनाउंसमेंट, यो दिवाली हमारी आखिरी कुंवारी दिवाली से। नहीं मैडम नहीं, मैं आपके चरित्र को इस तरह फटाका नहीं बनने दूंगा। यो दिवाली हमारे बैचलरहुड की आखिरी दिवाली से, नेक्स्ट दिवाली तक मैं हो जाऊंगी मिसेज हनुमान प्रसाद पांडे। लेकिन मम्मी जी सर जी तो आपसे दूर भागते रहते हैं। गोपी अब नहीं भागेंगे। मैडम पेरिस में एक ऐसी फूल झड़ी बनी है और ऐसा फूल झड़ा बना है जिसको अगर कोई हैंडसम लड़का और एक कोई फिगरेली नखरेली उफ युम्मा लड़की साथ में मिलके जला लें, वो लड़की बन जाएगी दुल्हन और वो लड़का बन जाएगा दूल्हा, और साथ में जलेगा उनकी गृहस्थी का चूल्हा। गोपी। हाँ जी जी। पेरिस की टिकट कटा, वो फुलझड़ी फुलझड़ा लेके आ चल। अभी लगा। नो नीड गोपी, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मैडम, क्योंकि वो फुलझड़ी और वो फुलझड़ा मैंने ऑलरेडी मंगा लिया। ये रहा। अरे ये तो मन्ने मिसेज हनुमान प्रसाद बनने से कोई ना रोक सका। क्या बात है, मैं सुना था बड़ी खुश नजर आ रही है, किसी को पीट के आई है क्या? सर जी मम्मी जी इसलिए खुश है, परसों दिवाली है ना, मम्मी जी आपके साथ ना आराम से दिवाली मनाएंगी। मैडम अब आपके हाथ में देंगी फूल झड़ा और अपने हाथ में लेंगी फूल झड़ी और उसको साथ में जलाएंगी। अरे आपके साथ रहते रहते हमारी तो जिंदगी के फूल झड़ गए भाई, और आप हमारे साथ फूल झड़ी जलाना चाहती हैं? जाइए यहाँ से, हम आपके साथ फूल झड़ी तो क्या, हम आपके साथ बीड़ी, मेरा मतलब है हम आपके साथ एक माचिस की तिली भी ले जाएंगे। मक्खन सिंह हमारा दिल टूट जाएगा। तो टूटने दीजिए भाई, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उसके टूटने का। ओए माँ। मक्खन सिंह मैं रूठ जाऊंगी, लास्ट टाइम बोल रही हूँ। तो रूठिए भाई, एक साल से बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं इनके रूठने का, रोज तो आके हमसे लिपटती हैं, फिर हम इनकी बेइज्जती करते हैं और फिर ये अगले दिन बंदर की तरह आके खुद हमसे लिपक जाती हैं। अरे आप एक मोटी चमड़ी की ढीठ और गैंडी औरत है, समझिए आप। Congratulations, आप हैं बेशरम औरत नंबर वन, तालियां। बस मक्खन सिंह खड़ी बेइज्जती होगी, आज तक तूने हमारी मोहब्बत देखी है ना, टीप तुम्हारी इंडिफरेंस देख। और रही बात दिवाली की, तो थारे साथ तो के ईब में जिंदगी भर किसी के साथ दिवाली कोई ना मनाऊंगी। इट्स ओके यार, अरे ये तो रोज का लगा रहता है, कल के मैटनी शो में आके अपने आप हमारी बाहों में लपक लेंगी, तो आ जाइए आप लोग टिकट कटवा के और अभी के लिए काम पे लगो। ये कोई मतलब अनाथ आश्रम है कि यहाँ पे गिफ्ट लगा के मतलब बैठे रहते हो तुम लोग 24 घंटे? दो हजार सर ये आपके लिए नहीं सर। नमस्कार। तू क्यों है? जी मेरा नाम है प्रीतम बटारिया, फड़फड़ाके। यो पेंट का डब्बा, यो कौन हो रहा? इसका नाम है पिंटू पेंट। दरअसल क्या है कि मैंने इसे अपना घर पोतने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो पोतना तो दूर, अब तक लीपा तक नहीं फड़फड़ाके। अरे भाई दिवाली का सीजन है, बिजी आदमी है, बाद में लीप देगा। नहीं मैं मानता हूँ धंधे की सेंस मुझे भी है, लेकिन क्या है कि पिछली दिवाली को मैंने इसे अपना घर पोतने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, अब देखो फिर से दीपावली आ गई, अब तक इसने मेरा घर नहीं पोता, बोलो फड़फड़ा के। अरे तो बिना फड़फड़ाए किसी और से पुतवा लो। नहीं मैं पुतवा लूं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि हमारी घर की परंपरा है ना कि जिसे एडवांस दिया उससे से घर पुतवाना चाहिए। अब देखिए मैं तो इसे एडवांस भी दे चुका हूँ। एडवांस 50 रुपए दिए। तो 50 रुपए? अरे पेंटर बाबू ना के तकलीफ हो रही, के ड्रामा मचा रखा ना, पोत क्यों नहीं देता तू इसका घर? देखिए मैडम मैं पिछली दिवाली पे इनके घर नजर फिरा ने, मेरा मतलब मुआयना करने गया था, तो मैडम मैंने साफ देखा कि इनका घर तो बिल्कुल साफ है, और मैडम मेरा उसूल है कि मैं सिर्फ गंदी दीवारों को ही पोतता हूँ, और तब से लेकर आज तक मैं हर त्योहार पे इनके घर पे जाकर देख के आया, तो मैडम मैंने देखा कि इनका घर तो बिल्कुल साफ रहता है, कितना साफ रहता है, अब आप ही बताइए मैडम मैं क्या पोतूं?
और अब तो ऐसे हालात हो गए हैं मैडम कि इनके साथ मेरे घर जैसे व्यवहार हो गए। मेरा मतलब है कि साथ खाना, साथ पीना, साथ सोना। सोए कब? सोना मतलब सोना मतलब यूं ही। अरे ओ मतलब घने इंटेलिजेंट रे, दिवाली पर पुताई सगुन के लिए करी जाती है। हाँ तो मैडम मैं भी तो ये सब सगुन के लिए ही कर रहा हूँ। मतलब साफ घर को पोतना मेरे शगुन के खिलाफ है। हेलो, अरे हाँ बोलो शगुन। हाँ अच्छा अच्छा, किसी और को फोन लगा रही थी, गलती से मुझे लग गया। ओके नो प्रॉब्लम, बाय बाय फड़फड़ा के। मेरी साली का फोन था, मेरे साथ ही रहती है। और तुम्हारी बीबी? ऑफ कोर्स रहती है। अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारी साली तुम्हारे साथ रहती है। हाँ तो रहती है ना फड़फड़ा के। तो फिर तुम्हारी बीवी किसके साथ रहती है? अरे मेरे साथ ही रहेगी, और किसके साथ रहेगी? हमें क्या पता और किसके साथ रहेगी। तो मैं कहाँ पूछ रहा हूँ कि वो किसके साथ रहेगी। अरे अभी तो तुमने पूछा कि मेरी बीवी और किसके साथ रहेगी। अरे मैं, अरे देखो मेरी बीवी और मेरी साली दोनों मेरे साथ रहती है फड़फड़ा के। तुम किसके साथ रहते हो, बीवी के साथ या साली के साथ? दोनों के साथ। और वो दोनों? यार टाइम पास मत करो यार फड़फड़ा के, प्लीज यार। और कहीं नहीं मिला सुबह से? देखिए शगुन है ना मेरी साली का नाम है, उसका ही फोन था अभी। हम गलती से किसी और को फोन लगा रही थी, मुझे लग गया फड़फड़ा के। सॉरी। प्रीपेड। ओहो क्रॉस कनेक्शन। कोई बात ना है। सुनो भाई पेंट की दुकान हो ना, अपने अपने घर को जाओ। तुम्हारे केस के बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे, फिलहाल तुम्हें अपने ही केस को लेके घड़ी परेशान हो रखी। क्या हो गया मुझे बताइए, मैं कुछ कर सकता हूँ फड़फड़ा के? मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है। ठीक है चलो फड़फड़ा के। सॉरी हाँ जी जी। अबे हाँ जी जी के चाचे, क्या हम गलत सुन रहे हैं या वो गलत कह रही हैं? वो हमसे टकराई और वो हमसे माफी मांग रही है। She said I am sorry। मम्मी जी आपसे बहुत नाराज हैं, सुबह से 8 लोगों के हाथ पांव तोड़ चुकी हैं और 9वें की तलाश में हैं। क्या ओह अरे हमें काम याद आ गया यार, हम अभी आते। मैडम मैडम बस अब बहुत हो गया, गुस्सा थूक दीजिए। ज्यादा चू चपट करने की कोई जरूरत ना, धंधे पे लग। पिंटू पेंटर के केस का क्या करा तूने? नहीं, मैंने कुछ सोचा है, इस केस में लंबा लोचा है। मैडम, I think Cookie is right. मैडम, कल वो दोनों जब यहाँ पर आए थे तब उस पेंटर ने क्या कहा था कि वो जो कुछ भी कर रहा है शगुन के लिए कर रहा है, और उस पटारिया की साली का नाम है शगुन। मैडम हो ना हो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उस पेंटर में और शगुन में कोई चक्कर चल रहा है, इसीलिए वो पेंटर जानबूझ के उस घर की पुताई भी नहीं कर रहा, जिसे अगर उसने पुताई कर दी तो उसको उस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा और वो रोज शगुन से नहीं मिल पाएगा। मैडम मैडम आपने बोला, मैं आ गया। मैं और शगुन एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मैं उस प्रीतम का घर नहीं पोत रहा ताकि मैं हर रोज में उसके घर आ जा सकूं। ना तो यो बात पहले बताने में नानी मर रही थी। देखो बेटा इस दिवाली मारी जिंदगी में फुलझड़ी जले ना जले, पर मैं चाह रही हूँ कि बाकी सबके दिल में पटाखे जरूर छूटे। इब तू एक काम कर, तू जाके कोने में बैठ ले चुके, जब तक बुलाऊ ना तू बाहर मत निकलियो, थारा केस में सॉल्व करूं। जी मैडम। चल निकल, आओ आओ शगुन, शगुन आओ शगुन, फड़फड़ा के आओ। आओ शगुन फड़फड़ा के पूरा आओ। शगुन माय साली, कॉलेज जा रही थी, ड्रॉप करना था मुझे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपसे मिलूं, बाद में इसको ड्रॉप कर देता हूं। मेरा नाम प्रीतम पटारिया, क्या हुआ मेरे केस का फड़फड़ा के? बड़ा एक काम कर, तू यो कागज पे साइन कर दे। अरे ये तो ब्लैंक है, सफा चेक। तू यो पेपर पे साइन कर दे, मैं थारे घर की पेंटिंग फ्री में करवा दूंगी, मारी जिम्मेदारी हो रही है। अच्छा ये बात है फड़फड़ा के, अच्छा तो ठीक है ये फिर ठीक है, ये लीजिए आपका पेन। वेरी गुड, आ जा भाई बाहर को निकल पिंटू पेंटर। जी मैडम। मैडम ये यहाँ पे क्या कर रहा है? पुताई। बेटा गुलगुले इस कागज पे यो छपवा ले कि इस आदमी ने इन दोनों की शादी से कोई ऑब्जेक्शन ना है। इसकी शादी इसके साथ? शगुन ये सब क्या है? प्यार तो अंधा होता है ना जीजा जी। काफी अंधा है।
नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं करवाऊंगा। नहीं अच्छा, शादी ना करवाएगा फड़फड़ाके। ओके, तो भाई लॉ के अनुसार जो है तूने साइन कर दिया है, और साइन कर दिया है तो हम तन्ने डाल देंगे लॉक अप में। और एक बार तो दिवाली के दिन लॉक अप में घुस जावे ना तो अगली दिवाली को ही छूटे बस। ठीक है ठीक है, मैं इन दोनों की शादी करवा देता हूँ, लेकिन फिर मेरे घर की पुताई? अरे वो मैं आज से ही शुरू कर दूंगा। नाइस मीटिंग, हैप्पी दिवाली। बाय बाय दिवाली। थैंक यू थैंक यू। ए पिंटो, कोले छोड़ के आना। क्या हुआ वो आपके केस का? वो उस दिन आप कुछ नाराज थी, कुछ अपसेट थी। फड़फड़ा के जा रहा हूँ। बहुत पूछते हैं। नहीं मिस्टर काला, हम वैसे दीवार के पीछे छिपकर सब कुछ सुन रहे थे कि आपने उन दोनों प्रेमियों को मिला दिया। आई एम वेरी इंप्रेस विद यू। आई एम सो इंप्रेस कि मैं इंप्रेस हो कि इतना इंप्रेस। क्या सर, आपने आपने ये क्या किया सर? सर हमारी वो मैडम जो हर वक्त स्टॉकी में उछलती रहती थी, उनके दिल का दिया जल जल के बुझ गया, लेकिन आपने अपनी मोहब्बत का तेल उसमें नहीं डाला सर। क्यों? मैं पूछता हूँ, क्यों सर, क्यों क्यों? हाँ जी जी डैडी जी, मम्मी जी का दिल दुखा के आपने ना अबे आगे बोलेगा, अच्छा नहीं किया। आखिर दीपावली पर क्यों है इतनी बेरुखी? चंद्रमुखी से आपने मैडम को बना दिया चंद्र दुखी। अरे सच में यार, अरे हमें क्या पता था कि हमारी जो मिस चौटाला जो इधर उधर फुदकती रहती है वो सच में बुरा मान जाएंगे। क्या करेंगे हम यार? सर अब जो भी करना होगा आप ही को करना होगा सर, क्योंकि आप ही तो एक जोकर है इस पूरी मेरा मतलब एक ही मजाकिया इंसान है जो मैडम को मना सकते हैं सर। सर आपको मैडम के आंसुओं का वास्ता सर, यही है सही रास्ता सर। तुम सही कह रहे हो गुलगुले, हम अपनी मिस चौटाला को मना के रहेंगे। अरे मिस चौटाला आप यहां बैठी हैं, देखिए हम दिवाली पे आपके लिए क्या क्या शॉपिंग करके लाए हैं। दिखाइए सर क्या लाया। देखिए, हम इनके लिए लाए हैं एक साड़ी, और जो ये साड़ी पहनेंगी तो ये लगेंगी टॉप की हीरोइन, बॉस टॉप। मेरा मतलब है, मतलब काफी महंगा मामला है मिस्टर डाला। हमने अपनी पगार के साथ साथ इन सबकी पगार खर्च दी। जी हाँ, लगता है कि मिस चौटाला का मूड जरा रूड सा हो गया है, तो चलिए हम आपको अपना सुपर डुपर बम्पर दिवाली जोक सुनाते हैं। हाँ सुनाइए सर, जोक सुनाइए ना। तो होता है कुछ ऐसे, दिवाली पर एक बार एक लड़की रूड जाती है, कहती भैया मैंने तो दिवाली नहीं मनानी। बिल्कुल मिस चौटाला की तरह। तो होता है क्या, सबके सब घबरा जाते हैं और उसको मनाने में लग जाते हैं। तो होता है क्या, एंड में पता लगता है वो लड़की तो असल में रूठी ही नहीं थी भाई, वो तो मजाक कर रही थी। What a joke, sir! मिस चौटाला, आपको हमारे जोक पे हंसी नहीं आई? तू रुलाता ज्यादा अच्छा है। क्यों सर? अरे जब इस थाने की असली बिजली इस थाने से जा चुकी हो तो इस बिजली का क्या फायदा? स्विच बहुत दूर है सर, मुझसे नहीं होगा। वाह भगवान वाह, आपने बिना कैसी टाइमिंग पे अपने कारनामे दिखाए।
अरे खंबा दिया लेकिन उसमें करंट नहीं, करंट आया तो खंबे में बल्ब नहीं, और जब बल्ब आया और हम उसे होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, आपने तो बल्ब का होल्डर ही निकाल दिया यार। हमें पता है कि अब हमारी मिस चौटाला हमें कभी नहीं माफ करेंगी और वो हमारे साथ कभी जिंदगी में दिवाली नहीं मनाएंगी। अरे यार वो जो प्यार से हमने उनके लिए साड़ी चुनकर खरीदी थी, वो भी इनकी पगार से, अब वो साड़ी पहनेंगी नहीं बल्कि जला देंगी। इक्षमेश, इनकी पगार वेस्ट हो गई, इनकी सैलरी बर्बाद हो गई। अगले एक महीने के लिए ये क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इनके बदपाल बच्चे हैं। इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारी जिंदगी में अब हमेशा के लिए अंधेरा हो गया है भगवान, और हमारी लाइफ की लाइट अब कहीं नहीं ऑन होगी। और हारे होते हुए हमारी जिंदगी की लाइट कभी ना बुझ सके। यो तो मैं सारा इम्तिहान ले रही थी मक्खन सिंह, यो देख रही थी कि थारी जिंदगी में मारी कितनी इम्पोर्टेंस हो रही है। दा, 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 दा। और यो तो मैंने देख लिया कि जो मैं दुखी होगी तो तू भी दुखी हो जावे मक्खन सिंह। इसका मतलब मिस्टर डाला आपने हमें बिल्कुल माफ कर दिया है। ना ना पहले तू बोल। अरे हम कितनी बार कह चुके हैं और कहने को तैयार है, I am sorry. मक्खन सिंह सॉरी कोई ना, मक्खन सिंह आज दिवाली हो रही है तो तू प्रेम से यो बोल दे हैप्पी दिवाली मिस चौटाला। हैप्पी दिवाली। मैडम एक मिनट रुकिए। मैडम कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे। मैं रैप्टा मार दूँगी। क्या आप लोगों को उस फूल झड़ी और फूल झड़ी की तलाश है? एक मिनट, ये वही फूल झड़ी और फूल झड़ा है जिसे अगर एक हैंडसम आदमी जैसे हम और एक नटखट औरत जैसे ये एक साथ जलाए तो उनकी मतलब शादी पक्की। हाँ भाई कित गई। ओह पहले बताना था ना यार। अरे अभी दिवाली के एक्साइटमेंट में हमने उस फूल झड़ी और फूल झड़े को एक साथ जला दिया भाई। क्या? हाँ अब हमारी शादी खुद ही से हो जाएगी। And I don't mind because you see I am bal brahmachari. Oh, oh, oh.